श्रीविष्णुचित्तकुलनन्दनकल्पवल्लीम् श्रीरङ्गराजहरिचन्दनयोगदृश्याम् साक्षात् क्षमाम् करुणया कमलामिवान्याम् गोदाम् अनन्यशरणः शरणम् प्रपद्ये। तिरुपावई का पांचवा दृश्य शुरू हो गया है आज। 21वें पासुरम में नप्पिनई देवी गोदा देवी के साथ आकर मिल जाती है और वे गोदा और उनकी सहेलियों को ये समझाती है कि भगवान कृष्ण को उठाया कैसे जाए, क्या करके उठाए कि वो तुरंत उठ जाए। पहले पासुरम को देखते हैं और फिर उसके अर्थ। ஏற்ற கலங்கள் எதிர்பொங்கி மீதழிப்ப மாற்றாதே பால் சொரியும் வள்ளல் பெரும் பசுக்கள் ஆற்றப்படைத்தான் மகனே அறிவுராய் ஊற்றமுடையாய் பெரியாய் உலகினில் தோற்றமாய் நின்ற சுடரே துயிலழாய் மாற்றாருனக்கு வலி துலைந்துன் வாசற்கண் ஆற்றாது வந்துன் அடிபணியுமா போலே போற்றியாம் வந்தோம் புகழ்ந்தேலோரெம்பாவாய். நப்பினை தேவி கேத்தி ஹே இன் லடக்கியோ சே கி ஹே லடக்கியா கிருஷ்ணகோ நந்தகோப் கே புத்திர கேக்கர் புகாரோகே தோ பசந்த் ஆதா ஹே ஆற்ற படைத்தான் மகனே உன்கோ ஐசா புலாவோ कि तुम नंदगोप के पुत्र हो। नंदगोप कैसे थे? आत्र पड़ैतान, बहुत सारा ऐश्वर्य था उनके पास। किसका ऐश्वर्य? वल्लल पेरुम पशुकल आत्र पड़ैतान, बहुत ही पौष्टिक पशु थे और वे दानवीर भी थे। पेरुम पशुकल का मतलब है पौष्टिक पशु और वल्लल पेरुम पशुकल मतलब दानवीर पौष्टिक पशु। कैसे दानवीर थे? मात्रा दे पाल सोरियम, उनसे दूध निकालने के लिए बिल्कुल कोई कष्ट उठाना नहीं पड़ता था, कोई बछड़े को जाके सामने नहीं रखना पड़ता था या फिर तेल लगाना नहीं पड़ता था या फिर गाना गाना नहीं पड़ता था। कुछ पशुओं से दूध निकालने के लिए यह सब करना पड़ता है, लेकिन नंदगोप जी के पास जो पशु थे उनके यहां से दूध निकालने के लिए ये कुछ भी नहीं करना पड़ता था। वो अपने आप दूध देती थी और कैसे देती थी? ஏற்ற கலங்கள் எதிர்பொங்கி மீதழிப்ப, ஏற்ற கலங்கள் अगर बर्तन रखा तो எதிர்பொங்கி மீதழிப்ப तुरंत वो भर कर उल्टे दिशा से बहने लग जाती है, मतलब पूरा भर के बाहर आने लग जाता है दूध। ऐसा दूध मात्रा दे सोरियम मतलब हमेशा दिया करता था, 24 घंटे दिया करता था ऐसा दूध हर एक पशु नंदगोप के यहां। और ऐसे उनके पास कितने पशु थे? आत्र पड़ैतान मतलब अनगिनत पशु थे। कैसे? भगवान के कल्याण गुणों को गिनाया नहीं जा सकता और जैसे हमारे पापों को गिनाया नहीं जा सकता, बिल्कुल उसी तरह नंदगोप जी के पशुओं को भी गिना नहीं जा सकता है। इतने सारे पशु, इतने सारे पशु वाले नंदगोप जी। आत्र पड़ैतान मगने, उनके पुत्र करके बुलाओ अरिवुराय, आप जान जाओ कि हम लोग आए हैं, ऐसे कहती है। आप कौन है? ऊत्र मुडयाय, आपको भक्तों से बहुत ही स्नेह है, भक्तों के प्रति आप बहुत प्रेम रखते हैं और इसीलिए अवतार करके यहां आए हुए हैं। भगवान अवतार करके आते हैं, ये भक्तों के लिए आते हैं, ये हमें जानना चाहिए। भक्त उन्हें अवतार किए हुए महिमा के बारे में जाने, यही भगवान पसंद करते हैं। श्री रामावतार में वे कहते हैं आत्मानम मानुषम मन्ये रामम दशरथ आत्मजम, मैं अपने आप को दशरथ का पुत्र समझता हूं और वही मुझे कीर्ति लगती है। मतलब वो आके अपने लिए अवतार करते हैं, इसके बारे में हम गुण गाएं और ये भगवान का कीर्ति समझें, ऐसी भगवान की ही खुद इच्छा है, क्योंकि ये काम वे हमारे लिए कर रहे हैं तो हमें उसके बारे में अच्छा सोचना चाहिए। तो ये भगवान अवतार कर रहे हैं क्योंकि उनको हमारे प्रति प्रेम है, तो उसके बारे में गाते हैं। ऊत्र मुडयाय, कौन से भगवान अवतार करते हैं? पेरियाय, परब्रह्म साक्षात परब्रह्म श्रीमन नारायण होकर भी हमारे लिए वे आते हैं। उलगी निल तोत्रमाय निंद्र सुडरे,
इस दुनिया को बचाने के लिए, दुनिया को संसार के अंधकार से बचाने के लिए सुडर दीप बनकर, ज्योति बनकर भगवान पधारते हैं, अवतार लेते हैं। सुडरे तू ये लड़ाई, ऐसे दीप जैसे है भगवान, उठ जाइए करके इनको बुलाओ करके नपिने देवी कहती हैं, और ये लड़कियां भी बुलाती हैं और कहती हैं कि हे भगवान, हम लोग आए कैसे हैं आपके सन्निधि में। मात्रा रुनक वली तो लैंदुन वासर कर्णात्रा दिवंदुन नड़ीपणी युमा पोले, हम लोग शत्रुओं की तरह आए हैं। मात्रार मतलब शत्रु की तरह हम लोग आए हैं, शत्रु की तरह भगवान के पास गए हैं, ये क्या बात हुई। गोदा देवी कहती है नपीने देवी के कहने पर कि हम लोग शत्रुओं के किस मनोभाव से आए हैं। मात्रार उनक वली तोलैंद, वो शत्रु जिनका बल पूरा जा चुका है, उन वासर कर्ण और तुम्हारे शरण में आए हैं ये कहकर आत्राद वंद, अभी हमारे पास कोई गति नहीं है, हम कहीं जा नहीं सकते, इसीलिए बंद उन अडिपणियुमा पोले आकर आपके शरण में गिर गए हैं, आपके श्री चरणों में आकर माथा टेक रहे हैं, क्योंकि हमारे पास अन्य गति नहीं है, हम अकिंचन हैं। ये कह के शत्रु जैसे अपने बल को त्याग कर, अपने बल को हार कर आकर गिरते हैं आपके चरणों में, वैसे आकर हम गिरे हैं, ऐसे कहते हैं। एक था काकासुर जो रामावतार में श्री राम जी के पास बहुत अपचार किया, सीता जी के पास अपचार किया, इसीलिए राम जी बड़े ही कोपित हो गए और उस पर ब्रह्मास्त्र चला दिया। तीनों लोकों में परिक्रमा की इस काकासुर ने ब्रह्मास्त्र से दौड़ते हुए, त्रीन लोकांसम परिक्रम्य कहते हैं वाल्मीकि भगवान। पूरे तीनों लोकों में घूमने के बाद उन्हें पता चला कि कोई उनको बचाने नहीं वाला है, और आके अपने बल को हार कर राम जी के ही चरण में गिर गए। उस तरह से आके गिरना है, ये मानकर कि हम अकिंचन हैं, कुछ नहीं कर सकते, किंचित भी नहीं कर सकते, और हमारे लिए कोई गति नहीं है भगवान के सिवा, अन्य गति नहीं है, यह जानकर अकिंचनः अनन्य गति ही शरण्या, ऐसा बोलकर भगवान के चरण में जाना चाहिए। आत्राद वंदु नडिपणियुमा पोले पोत्रियाम वंदो, हम लोग ऐसे आए हैं आज आपके चरण में, ये जान जाइए और उठ जाइए। पुगंदे लोरेम्बावा, अगर ये जानेंगे तो आपको बहुत ही गर्व महसूस होगा कि हमें हमारे स्वरूप का पता चल गया है, इसीलिए आप हमें प्रशंसा भी करेंगे और खुश भी हो जाएंगे। उठ जाइए करके ये लड़कियां बड़े सुंदर रीति से बुलाती है इस पासुरम में। कविता की कसम है कल्याण गुणशालिनी श्रीमते वेंकटेशाय वेदांत गुरवे नमः।